कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक का आयोजन मंगलवार को सहसो में किया गया, जिसमें प्रयागराज, सुल्तानपुर, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी के जिला शहर कमेटी के अध्यक्ष के अलावा बूथ से लेकर प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद छत्तीसगढ़ सरकार में कैबिनेट मंत्री पार्टी के राष्ट्रीय सचिव व प्रदेश के पूर्वी जोन प्रभारी राजेश तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पार्ट दो में प्रयागराज मुख्य केंद्र रहेगा। यात्रा शुरू होने से पूर्व न्याय पंचायत एवं बूथ स्तर तक संगठन को और मजबूत करें। शहर एवं नगर के हर वार्ड में बूथ स्तर तक कार्यकर्ता कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मेहनत करें। उन्होंने कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अब नजदीक आ रहा है, समय कम है, इसलिए सभी कांग्रेसी मजबूत मनोबल और मनोयोग से संगठन को धरातल पर उतारने का कार्य करें, तभी इंडिया मिशन को फतह कर पाएगी। 5 घंटे तक चली मैराथन बैठक में प्रत्येक जनपदों से आए वरिष्ठ पदाधिकारियों को अपनी बात कहने का मौका दिया गया। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि संगठन में निष्क्रिय पदाधिकारियों को पदमुक्त करके नए लोगों को मौका दिया जाएगा। वहीं कांग्रेस के प्रदेश महासचिव मुकुंद तिवारी ने आरोप लगाया कि भाजपा राज में प्रदेश अव्यवस्था से कराह रहा है, लोग महंगाई से परेशान हैं। इस दौरान मुकुंद तिवारी ने कांग्रेस नेता परवेज अख्तर अंसारी पर पुलिस उत्पीड़न करने का भी मुद्दा उठाया। गंगा पार कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सुरेश यादव ने कहा कि मजबूत संगठन खड़ा करना हमारा लक्ष्य है, इसके लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ लग जाएं। इस दौरान संचालन प्रदेश महासचिव विवेकानंद पाठक और आभार ज्ञापित यमुना पार अध्यक्ष अरुण तिवारी ने किया। अगर इस कार्यक्रम को आधा घंटा और बढ़ा दिया जाता तो इलाहाबाद जिले के जितने सारे लोग जो वरिष्ठ लोग आए हैं वो बोल सकते थे।